बनूं क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने भगवान के घर में कोई इंसाफ है कि नहीं? एक आदमी 100 साल तक जिएगा और दूसरा शायद 2 दिन भी नहीं। क्यों? तू, मैं, तेरे पापा, हम सब माटी के बने पुतले हैं। मंसूर, मुझे जो लोग अरविंद की मौत के जिम्मेदार हैं उनका पता चाहिए। मंसूर, समझा? सिर्फ एक बार मेरी माँ और मेरी रविंदर कौर से मुझे मिलवा दीजिए, फिर मैं आराम से बच सकूंगा। उसकी माँ आने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसकी बीवी इम्पॉसिबल। आज मैंने एक चोरी की। चोरी? कैसी चोरी? एक डायरी। थैंक यू माइनस। वैसे मैं मंसूर से मिल चुका था, लेकिन आप मेरे लिए इनको ढूंढ कर लाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर, मंसूर को ढूंढना कौन सा मुश्किल काम? सर, ही इज राइट। मुझे इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पहले ही मालूम था कि इसका आता पता क्यूपिड क्लब में ही होगा। सर, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि सब ड्रग्स वाले जंकीज क्यूपिड क्लब में मिलते हैं। जी, वो कहावत है ना शेखर, जहाँ पीने वाले वहाँ पिलाने वाले। सर, वो मैं खाने में मैं ख्वारों के साथ एक साकी का होना जरूरी होता है। सर, वो किसी शायर ने कहा है कि शेर व शायरी फिर किसी और वक्त करेंगे, मुझे मंसूर से कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़। सॉरी सर, सॉरी। नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए इनको ढूंढा, और थैंक यू वेरी मच अगेन। अच्छा सर, तो आप मंसूर साहब के साथ बात कीजिए, मैं चलता हूँ सर। ठीक है। अच्छा सर, गुड डे। थैंक यू सर, बाय बाय। अरविंद की मौत के जिम्मेदार लोगों के बारे में कुछ पता चला? हाँ, कुछ। मंसूर, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे पास वक्त कम है। मंसूर, मुझे उन लोगों को कानून के हवाले करना है। मंसूर, कानून? कौन सा कानून शेखर? तुम क्या समझते हो, ये कानून की रखवाली वर्दियाँ, ये टोपियाँ, ये जूते, क्या ये गैर कानूनी धंधा करने वालों से बेखबर हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि पुलिस और एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ, कब, क्या हो रहा है। तुम्हारा मतलब सब के सब? नहीं, सब नहीं, मगर हाँ कुछ। और शेखर, यही कुछ लोग काफ़ी हैं जुर्म के पौधों को पानी देकर पालने और बढ़ाने के लिए। तो ठीक है मंसूर, मुझे इन सब के नाम और पते चाहिए। क्यों भाई, क्या तुम समझते हो तुम उन चेहरों को बेनकाब कर पाओगे? भूल जाओ शेखर, ये दुनिया है, यहाँ अच्छा बुरा, उल्टा सीधा, कानूनी गैर कानूनी, सब आपस में गड़बड़ है। तुम क्या समझते हो, ये काला और सफ़ेद बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि काला सफ़ेद कम है और बीच में ग्रे ज़्यादा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ मंसूर, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा भी कलयुग नहीं आ गया मंसूर। अगर आम आदमी कुछ करने की ठान लेना, तो हम इन कानून के मुहाफिजों को जगा ही नहीं सकते हैं, हम इन्हें एक्शन लेने पर मजबूर भी कर सकते हैं। मंसूर, ठीक है, तो मैं तुम्हें अरविंद के किडनैपिंग और उसके बाद कत्ल में इन्वॉल्व लोगों के पते बताऊंगा, मगर एक शर्त है। हाँ मंसूर, मैं
समझता हूँ कि इस सब में तुम्हारा नाम ही नहीं आएगा बल्कि तुम्हारी खुद की तलाशी भी ली जाएगी। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारे फादर ने पुलिस केस तो किया था। हाँ किया तो था लेकिन बात कुछ आगे बढ़ी नहीं। शायद वही बात जो तुमने कही है कि शायद नहीं शेखर, यकीनन। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके नाम बता सकता हूँ। सुनो, हाँ तो इसका मतलब सफाई ऊपर से शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और वैसे भी शेखर वो कहावत है ना, सफाई शुरू करने से पहले झाड़न साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना गंदगी साफ होने की बजाय और बढ़ जाती है। You're absolutely right, Mansoor. काश अरविंद ही मुझसे मिल लिया होता, बच्चा बिला वजह मारा गया। वो तो ड्रग्स भी नहीं लेता था। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो एक अपनी दोस्त के चक्कर में आके इन लोगों के हाथे चढ़ गया। कौन तुम? मोना की बात तो नहीं कर रहे हो? तो तुम मोना को भी जानते हो? तुम्हारा यार सब जानता है शेखर, बस जरा केयरफुली चलना पड़ेगा। तुम जानते हो ये ड्रग माफिया के लोग हर तरफ फैले हुए हैं, हम जरा सा चूके और गए काम से। थैंक यू सर। थैंक यू। आखिर क्या बात करने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? देखो मोना, अरविंद की मौत के जिम्मेदार लोगों को हम यूं ही तो नहीं छोड़ सकते, और नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, बहलाने के लिए। नहीं शेखर नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक है। जब पुलिस ही उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हम लोग उनका क्या बिगाड़ लेंगे? मोना तुम क्या कहना चाहती हो, कि जुर्म और गुनाह बेलगाम घूमता रहे खुलेआम? नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मगर लगाम डालेगा कौन? कानून, और कानून की मदद करेंगे हम। देखो मोना, मुझे पता चला है कि कानून के मुहाफिजों में से कुछ लोग इस तबाही और बर्बादी के धंधे में शामिल हैं, जिसका नतीजा तुम भुगत रही हो और अरविंद भुगत चुका है। प्लीज शेखर, डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट। मैं उस गुजरे हुए वक्त को भूल जाना चाहती हूँ, जैसे वो पन्ने मेरी जिंदगी की किताब में थे ही नहीं। देखो मोना, तुम किताब में से पेज निकाल सकती हो लेकिन किरदार, मेरा मतलब कैरेक्टर नहीं निकाल सकती हो। शेखर कभी कभी अरविंद मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहता है हेलो मोना हाउ आर यू, और इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहूँ वो चला जाता है। बस मोना, अरविंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उसके मौत के जिम्मेदार लोगों को हम सजा दिलवाएं। ठीक है, करना क्या होगा? देखो मैंने एक प्लान बनाया, क्योंकि तुम क्यूबिड क्लब के नशेबाजों को जानती हो इसलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हमको मतलब? हाँ, मैं और मेरा एक आसाम का साथी है मंसूर। देखो मोना, तुम और मैं एक ही कश्ती के सवार रहे हैं। अपने गमों और मसरूफियतों को दूर भगाने के लिए हमें नशे का गलत सहारा लिया है। मंसूर मेरे उस वक्त का साथी है मोना। तो हमें भगवंता और उसके गैंग को जानना होगा। देखो सवाल उस गैंग को पकड़ने का नहीं है, सवाल यह है कि उस गैंग के पीछे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और जो उनके साथ फंस चुके हैं उनको किसी तरह पहचान के वहां से निकाला जाए। ठीक है, लेकिन प्लान क्या है? सुनो, वो सब ठीक है बेटे, लेकिन ये सब तुम अगर सहगल साहब की नॉलेज से करो तो क्या हर्ज है? नहीं अंकल प्लीज, किसी खास वजह से मैं नहीं चाहता कि पापा को इस प्लान के बारे में अभी पता चले। अब फिलहाल अभी तो नहीं, बाद में चाहे आप खुद ही बता दीजिएगा। ओके, मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, लेकिन ये सब काम बड़ी होशियारी से करना होगा, और अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि फंसने की बात है तो आप इशारा करिएगा, हमारे आदमी। नहीं अंकल, उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट है अंकल, क्या है कि इस पूरे केस में मंसूर हमारे बीच की कड़ी है अंकल, तो अगर हो सके तो उसकी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना होगा प्लीज़। डोंट वरी, वो हम देख लेंगे, और अगर ऐसा मौका हुआ आप कामयाब हुए तो हम उसको सरकारी गवाह बना करके सजा कम से कम करने की कोशिश करेंगे। जी अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल। गुड लक। थैंक्स गॉस।
ऐसे तो चीमा को बुलाइए। बहुत अच्छा साहब। बैठिए। थैंक यू सर। ये अरविंद सहगल का केस है, उसको कौन डील कर रहा है? सर वो रामनगर पुलिस स्टेशन का केस है और इंस्पेक्टर बलजीत सिंह ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था। नहीं, अभी उसकी क्या पोजीशन है? वो केस क्लोज हो चुका है सर। क्लोज हो चुका है? हाँ जी। रीज़न? सर रीज़न इज लैक ऑफ एविडेंस एंड विटनेसेस सर। भाई अजीब बात है, एक नौजवान अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसका कत्ल किया जाता है, और कत्ल करने वाले वो लोग हैं जो कि नशे का धंधा करते हैं, और वो इस शहर में बेलगाम घोड़ों की तरह घूम रहे हैं, और उन लोगों को आप बता रहे हैं कि केस क्लोज कर दिया और उसमें कोई एविडेंस नहीं है, तो हम क्या करने के लिए यहाँ बैठे हैं? आप ऐसे जो रामनगर को बुलाइएगा, लंच के बाद मुझे मिले और आप भी हाजिर रहिएगा। राइट। लेकिन सर वो ये पुलिस स्टेशन मेरे चार्ज में नहीं है सर। चार्ज की बात नहीं है, डज नॉट मैटर, आई हैव कॉल्ड यू, यू बी देयर अलॉन्ग विथ हिम। राइट। हाँ मिसेज जानकी, ये नारकोटिक ब्रांच में मिलाइए जरा। अपने अपने हथियार नीचे फेंक दीजिए। भगवंता रुक्रेजा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और ये लोग भी तो शट अप। थैंक यू मिस्टर माइनस। आसाम वाला भाई मंसूर के बच्चे, मैं तुझे देख लूंगा। अगर सारी जिंदगी जेल से बाहर निकल पाओगे तब ना। बॉस जब भगवंता अपने आदमियों से बोलो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो चारों तरफ से गोलियां चलेंगी। आपका अड्डा चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं फोन कर सकता हूँ? अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारा काला धंधा करने वाले सारे ताने बाने टूट चुके हैं, और तुम्हारे बॉस इस वक्त सीपी साहब के पास बैठे अपने वकील को टेलीफोन कर रहे होंगे। अरेस्ट ऑल ऑफ देम। थैंक यू मिस्टर माइनस। एक मिनट चीमा साहब, मंसूर मैं और शेखर ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज पता लगा कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। चलिए। वाह माइनस, तुम तो काम की चीज निकले भाई। सर ये ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर। सर हिंदुस्तानी में कहते हैं कि अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट ठीक है तो समझिए सर कि अमेरिका तक आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक है सर। बस बस माइनस। देखो माइनस सर, तुमने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज मत भूलो, इस सब में मंसूर का बहुत बड़ा हाथ है, समझे? अरे सर उसकी तो मैंने प्रोग्रेस और मेडिकल रिपोर्ट पहले ही देख ली थी सर। अच्छा एक बात बताओ सर, उसकी रिपोर्ट पता की नहीं, वो खैरियत से है या नहीं? अरे सर बिल्कुल चकाचक ओके सर, यस सर, राइट सर। Really, Manas. Yes. Thank you very much again. Sir. I really mean it. Sir. और जरा घर चलिए, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो बैठिए। ओके सर। डैडी अगर आप भी माइनस को शेख के लिबास में देखते ना तो पहचान नहीं पाते। लेकिन सर आइडिया तो आप ही का था। मगर शेखर भैया ये आइडिया आया कहाँ से? कहाँ से आया मतलब क्या? हिंदी फिल्मों से। लेकिन शेख सर तुमने प्रूव करके दिखाया कि where there is a will there is a way. हम तो अरविंद को रोते रहे लेकिन शेखर ने अपने भाई के कातिलों को सजा दिलवा दी। शाबाश बेटा। मुझे तो पहले ही मालूम था कि शेखर जो ठान लेता है वो करके ही दिखाता है। Yes, शेखर भैया, you're great. अरे नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। दरअसल मुझे पहली बार फैमिली और रिलेशनशिप्स का एहसास हुआ, लेकिन जब एहसास हुआ तो काफी देर हो चुकी। तुम नहीं बेटे, हम लोग थे जो अपने आप में मगन रहे In a fool's paradise. जब होश आया तो पानी सर के ऊपर था। जग्गी बेटे, इंसान वही है जो गुजरी हुई भूलों से शिक्षा ले और आगे से वो गलतियां ना दोहराए। सच माँ जी,
काश हमें इस बात की सूझबूझ पहले होती जो अरविंद के जाने के बाद आई। अरे ये सब क्या बातें करने लगे हम। अच्छा शेखर बेटा। शेखर सुन तो। मंसूर। कौन शेखर? कैसे हो मंसूर? अच्छा हूँ और सुनाओ। माफ करना मेरी वजह से तुम ये परेशानी में। परेशानी कैसी शेखर? शायद मुझे पहली बार महसूस हुआ है कि मुझे ज़हनी इत्मीनान मिला है। सोचता हूँ सुकून कितना टेम्प्रेरी होता है, इसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ है। नहीं मंसूर, अगर तुम्हारी मदद नहीं मिलती तो हम इन मौत के व्यापारियों को कभी कानून के हवाले नहीं करवा पाते। शेखर अब जब आसाम में और उसके बाद यहाँ अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो बड़ी शर्म आती है। शर्म से सर तो मैं भी नहीं उठा पाता था। हाँ अभी कुछ हिम्मत सी महसूस होती है। शायद अल्लाह हमको माफ कर दे। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। रात सोच रहा था शेखर, आसाम में तुम्हारी एक दोस्त हुआ करती थी डॉली। हाँ क्यों? तुमने तो यहाँ आकर उसे कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। यहाँ आकर तो सब कुछ ही बदल गया मंसूर, रिश्ते नाते दोस्त सब कुछ। रिश्तों में वैसे भी मुझे कोई विश्वास नहीं था। हाँ डॉली एक अच्छी दोस्त थी, उसके साथ जिंदगी का एक अच्छा वक्त, जिंदगी का एक अच्छा हिस्सा बिताया मैंने। मगर तुम ऐसा क्यों सोचते हो शेखर? अरे भाई मौत तो सबको आनी है, उसका वक्त होता है, सब जानते हैं, कौन अनजान है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी को जिए ही नहीं। ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे पिछली मुलाकात में भी बताना चाहता था मगर वक्त ही नहीं मिला, फिर क्यूपिड लव के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। क्या बताना चाहते थे? पता नहीं ये लॉकअप की ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले जाए शेखर। तुमसे भी ज़िंदगी में पता नहीं ये मुलाकात हो या ना हो, सोचता हूँ आज तुम्हें सब बता ही दूंगा। अरे पहेलियाँ मत बुझाओ, बोलो ना क्या कहना चाहते थे। तुम शायद नहीं जानते शेखर, डॉली मेरी मुँह बोली बहन है। आसाम के पिछले ट्रिप पर डॉली से मेरी मुलाकात हुई थी, तुमको बहुत याद करती है। नशा तो वो तकरीबन छोड़ ही चुकी है। एक्चुअली शी मिसेज यू अलॉट, बहुत उदास रहती है, तुमसे मिलना चाहती है। मंसूर मेरी हालत तो तुम जानते हो, अब इस हालत में मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा और क्या। उसे सब मालूम है शेखर, तुम्हारे भाई की मौत, तुम्हारे अमेरिका जाने का प्रोग्राम और तुम्हारी बीमारी, सब की खबर है उसको। उसी ने मुझसे इसरार किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। एक्चुअली वो तो यहाँ खुद आना चाहती थी मगर मैंने ही उसको रोक दिया। अच्छा किया तुमने। वो शेर है ना, मुझसे मिलने में अब अंदेशाए रुसवाई है, मैंने खुद अपने किए की ये सजा पाई है। मगर वो इसके बिल्कुल बरक्स सोचती है शेखर। वो कह रही थी कि इस वक्त शेखर को मेरी और भी जरूरत होगी, मुझे उसके पास होना चाहिए। ये मोहब्बत, ये जज्बात, ये प्यार, देखो अगर मुझ पर तरस खाकर वो ये सब सोचती है तो मुझे उससे नहीं मिलना है। ऐसी बात नहीं है शेखर, तुम उसे खत क्यों नहीं लिखते हो? तुम उसे खत तो लिख ही सकते हो। मंसूर ये बाजी मुझे अकेले ही खेलनी है, इसमें मैं खुद ही शह दूंगा और बात भी मेरी होगी। I'm sorry शेखर, शायद मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया, इसीलिए तुमसे ये बात कहते हुए झिझक रहा था। चलिए बड़ा लगता हो गया। हाँ एक मिनट मंसूर। हाँ बोलो। एक काम कर देना मंसूर, अगर तुम कभी डॉली से मिलो तो उससे कहना कि, देखो उससे कहना कि वो जवान है, खूबसूरत है, उसे अभी भी जीवन साथी मिल सकता है। उसे कहना मुझे भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करें। ठीक
ठीक है, कह दूंगा। अच्छा, थैंक यू मंसूर। रविंदर, तुम सब आ गए? हरचरण बोलो नहीं प्लीज। ऑफिस मास्टर है। ऑफिस मास्टर। प्लीज फास्ट। मैं हटा दीजिए, मैं दम घुट रहा है। बस मेरा सर कहाँ है? हरचरण, हरचरण, मेरा सर कहाँ? बोलो मत, बोलो मत, प्लीज चुप रहो, बोलो नहीं प्लीज। बोलो मैं, मेरी गाड़ी कितनी तेज जा रही है, ब्रेक फेल हो गई है, वो एक्सीलेटर कितने गियर फंस गया। तू आ गई माँ, तू मेरे वास्ते रोटी लाई। माँ मेरी ड्यूटी से जाना है, तू भी आ गई। रमिंदर मेरे नाल नाराज हैगी, मेरी हीर, मेरी हीर, तो मेरी हीर मैनू माफ कर दे। शट अप, शट अप हरचरण, प्लीज। उठी चुप कराना मैनू, इतनी गलत साइड से आ रहा। ओए पुत्र मरेगा, मैनू हेडलाइट से ऑफ कर रहे। हरचरण, हरचरण, तू आ गई। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था तू जरूर आई। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हजरी। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाएगी। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम। पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम। जिसके जितनी चाकरी, उतने उसके दाम। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम। सूरज ठेके तार सा, सबको बांटे